जी वीर, आपको ढेरियों से अंदाजा हो गया होगा कि रात की दास्तान क्या रही है। ये ढेरियां वो हैं जो लोगों ने अपने ड्राइवे साफ कर लिए हैं। फरवरी का महीना, बर्फीला महीना, मेन रोड सारी साफ हो चुकी हैं, लेकिन ये जो साइड की रोड्स हैं जिस पे मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ, ये कहीं रात के वक्त किसी वक्त आएगा और आके इसको साफ करके जाएगा। अब ये रोड देखे कैसी क्लियर कट, सफाई करने के बाद इसके ऊपर नमक पड़ चुका है। सुबह की भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जब बर्फ थोड़ी बहुत चल रही थी और लोग अपनी ड्राइवेज की सफाइयां कर रहे थे। अगर उसमें कोई जान हुई तो दोनों को मिला के इसको लगा दूंगा। ये देख रहे हैं आप, वॉकवे वगैरह यहाँ की बिल्कुल साफ कर दी गई है। अब ये बर्फ जो है सिर्फ साइडों पे रहेगी, लाइफ विल जिंदगी जो है एज यूजुअल जैसी होनी चाहिए उस तरह चलती रहेगी। इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो बेचारे जो बसों के इंतज़ार में खड़े होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही प्लंज कर जाता है। इवन कुछ दिनों में तो रात जो थी -18 -17, विंड चिल के साथ -25, तो वो एक तकलीफ दे अमर हो जाता है उन बेचारों के लिए। वो लोग जो जिनको जॉब पे जाना होता है किसी भी रीज़न, वैसे तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन किसी भी वजह से अगर उनको जॉब पे जाना है या कहीं भी जाना है, ग्रोसरी लेने जाना है, घर तो नहीं बैठ सकते आप, तो उनके लिए इस मौसम में थोड़ा सा सख्त होता है। इसलिए जनवरी फरवरी नो वे, आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नए हैं, और अगर मजबूरी है तो मजबूरी का। एक और यहाँ पर जो सबसे बड़ा हुआ है 22 फरवरी से, वो जो कंपलसरी लॉकडाउन सेंस, जो ट्रैवल करके आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, उनको 3 दिन के लिए मिनिमम क्वारंटाइन होना है किसी होटल में, और उस 3 दिन का खर्चा जो होगा कुड बी मे बी क्वाइट पॉसिबल $2,000 प्लस होगा। वो $2,000 किस चीज़ के हैं, लोगों ने जब क्वेश्चन पूछा, तो वो $2,000 में वो आपकी सारी सिक्योरिटी, आपको मेक श्योर करना और ये वो तुम है, वो डेजिग्नेटेड होटल हैं। गालबन ये जस्टिन ट्रूडो साहब ने होटल इंडस्ट्री या कोई होटल लॉबी होगी, आई डोंट नो, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्या को क्योंकि होटल इंडस्ट्री दुनिया तबाह हो गई, तो शायद इसी बहाने उन लोगों का भला हो जाएगा। $100 का बंदा होता है नाइट का, ये 3 रातों के लेंगे वैसे इन जनरल जो रेट है, लेकिन वो जो डेजिग्नेटेड होटल होंगे वो प्रॉपरली क्वारंटाइन आई बिलीव होंगे, उसमें खाना भी आपका शामिल होगा और जो भी वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे आपके कमरे में, वो मास्क से लेके पता नहीं ग्लव्स पहन के पता नहीं क्या क्या, जब आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा तो फिर आपको की जान छूटेगी और 3 दिन में वो आपको निचोड़ लिया जाएगा। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग जो बेचारे जो हमारे स्नोबर्ड्स, उनको हम स्नोबर्ड्स कहते हैं, वो बुढ़े जो मार्च में वापस आते हैं, नॉर्मली जो नवंबर में चले जाते हैं वो मार्च में वापस आते हैं फोर्ट लॉडरडेल में, अच्छे खासे लाखों के हिसाब से, 1-2 नहीं लाखों के हिसाब से उनको कैनेडियन स्नोबर्ड्स कहते हैं। जो बुढ़े हैं बेचारे वो गर्म इलाकों में चले जाते हैं, नीचे फ्लोरिडा वगैरह की तरफ चले गए या मेक्सिको में कैंकून वगैरह या इधर उधर जहाँ भी उनका सिलसिला होता है। तो वो बेचारे जो थे उन्होंने वहाँ की पेमेंट की भी थी, फिर वो डर गए, घबरा गए, उसमें टाइम शेयर भी होता है जो उन्होंने ईयरली बाय किया हुआ होता है। अब टाइम शेयर क्या होता है, टाइम शेयर जो है ये एक इंडस्ट्री है यहाँ की, कि आप कॉटेज कंट्रीज में या फार्म हाउसेज में आप टाइम बाय कर लेते हैं कि अगस्त की 1 तारीख से लेके अगस्त की 15 तारीख तक मैं परमानेंटली हमेशा हर साल अपने बच्चों को लेके आऊँगा, तो वो एक टाइम शेयर आप बाय कर लेते हैं और वो आपको सस्ता पड़ता है। इसी तरह इन लोगों ने
شارٹ رینٹلز کے طور پہ فورٹ لوڈر وغیرہ میں ان لوگوں کے گھر ہیں, انہوں نے جو امریکنز ہیں انہوں نے گھر خریدے ہوئے ہیں اپنے, تو ان بیچاروں کو اس طرح کر کے واپس آنا پڑا, کیونکہ یہ ہوا جو تھی ارلی جنوری میں اڑ گئی تھی کہ جسٹن ٹروڈو صاحب بہت غصے میں, ایک دن انہوں نے تقریر کی تھی کہ میں لوگوں کو ونڈی جا رہے ہیں پیسے دے پیسے اور لوگ جڑے نے یاچی کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کہہ کے یہی ان کا لہجہ تھا سمجھے انگلش کے اندر, کہ گورنمنٹ اتنا زیادہ پیسہ لٹا رہی ہے, کیونکہ برف میں ایک اور بھی دیکھیں مجھے رکنا پڑا, کبھی کبھی گاڑی جو ہے نا اتنی زیادہ, حالانکہ نمک پڑا ہوا ہے لیکن اگر ونٹر میں تھوڑا سا آپ کو نا ایکسٹرا یو ہیو ٹو بی کانشیس کہ آپ تھوڑا سا گاڑی جو ہے نکلتی ہے, تو اس لیے نا بہتر بھی اٹس بیٹر بی سیف دین سوری, حالانکہ میں لائٹ بنا سکتا تھا اگر نارمل حالات ہوتے ہیں لیکن میں نے نہیں بنائی, میں رک گیا کہ گیم خراب ہو سکتی ہے, کیونکہ سڑک جو ہے بالکل جو ہے اس وقت حالانکہ فریزنگ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ ٹمپریچر اس وقت کیا ہے کیونکہ میرے اس پہ فیو لو کا کانشیس آنے کے بعد میرا سارے کا سارا اڑ گیا ہے, ٹمپریچر میرا خیال ہے -2-3 ہوگا, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, تو اس کی وجہ سے لوگ کافی یعنی کہ وہ بیچارے جو ہیں انہوں نے زبردستی کی فلائٹیں لے لے کے 22 فروری سے پہلے پہلے تاکہ وہ آ جائیں, اور ان کو اگر وہ مارچ میں کسی وقت آتے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب تک, یہ ہوٹل کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا, کب تک چلے گا سے مراد یہ ہے کہ 3,000 for 3 days, آئی مین 2,000 for 3 days, اٹس اے لاٹ آف منی, کیونکہ جو یہ بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن کے اوپر ہوتے ہیں, وہ ان کو تگڑی پینشنیں ملتی ہیں, ساری عمر انہوں نے کام کیا ہوتا ہے, ایک ایک آدمی کو 4,000-5,000 پینشن کے اور اولڈ ایج بینیفٹس اور یہ وہ تو میں کر کے ملتا ہے, اور ایک عام آدمی کو جو ہے نا اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے نارملی 800-1200 کے درمیان ملتا ہے اگر اس نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو, دس از مائی پرسنل نالج, میں آئی مین کڈ بی مور کڈ بی لیس, سمبڈی کین گوگل اٹ, لیکن 1,000-1300 or 800-1200 کے درمیان جو ہے ایک بوڑھے بندے کو ملنا شروع ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اولڈ ایج بینیفٹ کے نام پہ, اس کے علاوہ بے تحاشا فیسلٹیز ہے میڈیکل میں اور اس میں اس میں ملنی شروع ہو جاتی ہے, بات کہاں تھی کہاں چلی گئی, تو ایک تو یہ ہے 22 تاریخ سے یہ بڑا ہی سخت قسم کا, انہوں نے دنیا کافی حد تک کھل چکی ہے لیکن یہاں پر کرونا کے چکر میں ابھی بھی بہت ساری سختیاں چل رہی ہیں, آج برف کی وجہ سے سنو ڈو, آج پہلا دن تھا جو اسکول کھلنے تھے اور آج ہی بچوں کے لیے سنو ڈے ہو گیا, اور یہ آئی بلیو اس سیزن کی سب سے زیادہ برف پڑی ہے اس سیزن میں, ابھی تک اتنی زیادہ ایک دن میں مجھے نہیں یاد پڑتا, پچھلے مہینے اگر کوئی پڑی ہو تو پڑی ہو, وچ آئی ڈاؤٹ, یہ دیکھیں آلموسٹ, اب یہ دیکھیں جو اچھے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں یہ رائٹ سائڈ پہ صفائی ہوئی ہوئی ہے, اور یہ لینڈ لارڈ جو ہے اب یہ جو بلڈنگیں ہیں لیفٹ سائڈ پہ جتنی بھی آپ کو دکانیں مل رہی ہیں یہ ساری جو ہے نا انڈیویجل یونٹس ہیں, کہ آپ کی یہ دکان ہے اس کے اوپر مکان ہے اور یہ انڈیویجل اونرشپ کے ساتھ, 2002 میں یہ جو جیولری ایکسچینج ہے یا تھامور ہے یہ بلڈنگ ایک یہاں پر ایک فارمیسی ہوا کرتی تھی, یہ 2001 کی بات ہے, تو مجھے یہ جو تھی نا میں پرچگیز تھا بڈھا تھا بچہ, تو اب یہ دیکھیں اس طرح کی جو برف پڑی ہوتی ہے اب یہ گاڑی پھنس رہی ہے, گاڑی جو ہے نا یہ ہونڈا سیوک وغیرہ یہاں پر سب بیکار ہو جاتی ہیں اس موسم کے اندر, یہ ہونڈا سیوک جو ہے نا جان نہیں پکڑ رہی ہے, اب اس بندے کو یہ دیکھیں اس کا ٹائر کیسے جو ہے نا موو کر رہا ہے, ہونڈا سیوک میرے پاس یہ گاڑی تھی تقریباً 10-12 سال رہی ہو, مجھے ہر ونٹر میں
फिर मैंने उसके लिए ना अंदर शुरू से डे वन में स्नो टायर लगाए हुए थे। और इसकी जो सबसे देखें अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस बंदे को ये अपने जो फ्रंट टायर व्हील है उसको घुमा रहा है। अगर ये अपने टायर को सीधा रख के रिवर्स करे, सीधा रख के बिल्कुल टायर को स्ट्रेट सीधा रखेगा, मैं इसको काश के उसको बता सकूं कि टायर को ये सीधा अगर रखेगा और रिवर्स करे तो इसकी गाड़ी जो है निकल जाएगी। जितना ये घुमाएगा उतना ये देखेंगे, हमेशा ये टायर को व्हील को जो है ना घुमा रहा है। आप लोगों को शायद नजर ना आ रहा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखे अपने फ्रंट व्हील को ये कैसे जो है ना ये हमेशा जो है स्टेयरिंग को घुमा देता है। बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। ही शुड हैव द टायर स्ट्रेट। उसको गाड़ी चूंकि यहां पर पार्क करनी है और ये बेवकूफ बन रहा है। ये देखें हमेशा ये टायर को घुमा रहा है। दिस इज टोटली रॉन्ग मैन। यू गॉट नो व्हाट यू डूइंग। यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग। यू डोंट नो यू गोना बी कीप स्ट्रकिंग। हेलो, मैं भी बेवकूफ हूं, शीशे मेरे बंद है। यहाँ पर ये गाड़ियां बेकार हो जाती हैं। ये जो होंडा सिविक या छोटी गाड़ियां जितनी भी हैं या जिनके टायर पुराने हैं, हालांकि इसका मॉडल तो नहीं है, ये 2017-18 के बाद का है। हाँ, 17 या 18 के बाद का है। ये देखें इसकी गाड़ी भी जो लेफ्ट साइड पे ये भी ट्विस्ट कर रही है। मैनू मारना दी ओए बेवकूफ। ही इज गोना बी इन ट्रबल। कम ऑन मैन। अरे भैया मुझे तो अपना रास्ता दो ना। तो वियर ये आपके लिए भी एक सीख है, आप अपने टायर को बिल्कुल सीधा रखें। देखिए सीधा रखा और गाड़ी इसकी आगे गई। अगर आप टायर को घुमाएंगे तो आपका घुमा क्यों रहा है भाई आगे चल। इसके टायरों में जान भी नहीं है, ये ऑल सीजन टायर है। ऑल सीजन टायर के साथ ये मसला होगा। उसके लिए बेस्ट ये है कि यू गर हैव अ स्नो टायर। या जाना नहीं भैया पीछे, जाने दो। हाँ मैं बात कर रहा था, ये गालबन ये कन्वीनियंस जहां लिखा हुआ है ना आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं इसको नीचे करता हूँ शायद नजर आएगा। ये जो कन्वीनियंस लिखा हुआ है यहाँ पर एक फार्मेसी हुआ करती थी, तो मैं इसके पास ये बिक रही थी बिल्डिंग, तो मैं इसके पास आया था तो 3,20,000 या पता नहीं 3,60,000 मांगता था। वियर में अगर अब आपको बताऊं कि इनकी यहाँ पर कीमत क्या है, यू विल नॉट बी बिलीविंग इट। और वो इवन मुझे मॉर्गेज भी खुद दे रहा था, 2001 या 2002 की बात है। अब ये मिलियन से ऊपर के, ये एक दुकान नीचे और ऊपर एक, उस जमाने में ऊपर का जो यूनिट है ये $1,000 किराए पे जाया करते थे, 800 से 1,000। इस वक्त ये 1,400 से 1,500 किराए पे जाते हैं। नीचे की दुकान जो थी वो 2,200 से 2,300 होती थी, अब ये दुकान का किराया है 3,500। किस चीज पे आप मेरी गाड़ी क्यों सारण दे रही है। ये देखें मैं बड़े सुकून के साथ, मैंने सीधा टायर रखा हुआ है। खैर मेरी गाड़ी भी भारी गाड़ी है, SUV है, 4-wheel drive, आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। वो की होया मैनू कल सारण पे मारन जा रहा है। अच्छा वो राइट साइड के मिरर्स हैं वो जवाब। चलो 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 मैं नहीं चला रहा भाई। तो चले वियर मैं अपनी जगह पे पहुंच गया हूँ। ग्लोबल मनी ट्रांसफर। ओके वियर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब।